भारत और वियतनाम की के रिश्ते केवल भारत के आज़ाद होने के बाद तय नहीं हुए हैं। ये संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक तौर पर भी हैं, ऐतिहासिक तौर पर भी हैं और व्यापारिक तौर पर भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को भारत के साथ दो चीज़ें जोड़ती हैं, एक है बौद्ध धर्म और दूसरा है रामायण। आप सारे दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को देखिए, हम भारत में रामायण मेला करते हैं ICCR के माध्यम से, 9 देशों की रामायण आती है। इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल देश है विश्व का, वो अपनी रामायण लेकर आते हैं। और एक घटना मुझे कभी भूलती नहीं, अटल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिस समय वो विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार वो इंडोनेशिया गए थे तो उन्होंने सड़क पर देखा पटरी पर कुछ लोग मूर्तियां बना रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये मूर्तियां जैसे हनुमान जी की हैं, पूंछ बनी हुई थी, चेहरा बंदर का बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं जिज्ञासावश मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, मैं उतरा और मैंने जाकर उनसे पूछा, जो उनके साथ इंटरप्रेटर था भाषा में, कि आप क्या बना रहे हैं? तो उनका मूर्तियां बना रहे हैं। किसकी? तो उनका हनुमान जी की। तो कहते मैंने जिज्ञासावश कह दिया लेकिन आप तो मुस्लिम हैं। तो बोले तपाक से मुझे जवाब मिला, जी जनाब, मज़हब बदला है, पुरखे नहीं बदले हैं।